जय माता दी। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? नवरात्रि तो शुरू हो चुकी है, तो बहुत फ्रेंड्स हमारे नवरात्र का व्रत तो 9 दिन करते होंगे, तो ऐसे में रोज रोज मीठा खाना पास बनना ही होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रेसिपी निकाली है, जिसे खाने के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल मस्त हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे आशा मिश्रा चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन का बटन मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ साबुदाने की व्रत की नमकीन। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 कप साबुदाना लिया हुआ है, ये वजन में करीब 200 ग्राम होगा यानी कि 1 कप। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 कप साबुदाने से बनाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आपको जितना बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बाउल ले लूँगी और उस बाउल में देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 कप साबुदाना डाल दिया है। अब हम 2 कप भी साबुदाना इसमें डाल दिए, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कप साबुदाना कंप्लीट बाउल में डाल दिए हैं। अब ये हमारा साबुदाना जो है 400 ग्राम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बताते हैं कि क्या करना है। फ्रेंड्स, हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और स्पून की सहायता से पानी हमको साबुदाने के अंदर डालना है और हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमको इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये हार्ड होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करेंगे। जैसे मोयम लगाते हैं उसी तरीके से पानी हमको डालना है। तो अभी ये थोड़ा सा हमारा थिक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे और बिल्कुल हमको गीला नहीं करना है। ये साबुदाने का मोयम हम परफेक्ट लगा लिए हैं। अब इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ सूखे हुए नारियल के टुकड़े लिए थे जो हम कट कर लिए हैं, और एक टुकड़ा हम आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं कि कैसे हमको इसको कट करना है। तो फ्रेंड्स, इसको हमको नाइफ की सहायता से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमको इसको कद्दूकस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे कट चुके हैं। ये करीब वजन में 200 ग्राम के करीब है, और ऐसे देखें तो कप में एक छोटे कप से 1 कप के करीबन है ये हमारा नारियल। आप देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप के करीबन है। मैं आपको कप से कंपेयर करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साबुदाना हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको ले चलते हैं गैस के पास। तो मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई गरम कर ली है। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो व्रत में खाते हैं ऑयल घी, वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसको हम अब अच्छे से गरम कर लेंगे। तो ये तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसको चमचे की सहायता से साबुदाना हम घी के अंदर डाल देंगे और इसको अब हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम हमको बिल्कुल स्लो रखना है, और फ्रेंड्स, थाली से हम इसे ढक रहे हैं ताकि ये साबुदाना हमारा अंदर घी में फूल जाता है, तो उसके बाद से उचटने का डर रहता है, तो इसलिए हम इसको थाली से ढक देते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर पे किसी तौलिए की सहायता से हम कढ़ाई को हिलाते रहेंगे, और फ्रेंड्स, ढक्कन लगा करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद इसको हम ढक्कन हटा करके और चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए साबुदाना हमारा कितना अच्छा फूल चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम कलछे से चला लेंगे और दोबारा इसको ढक देंगे, और अच्छे से अंदर से सिक जाए और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, इसलिए हम इसको दोबारा फिर ढक देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हमारा हो चुका है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे और जो मैं पेपर ले लिया है, इसी पे इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए, खूब अच्छा ये कुरकुरा हो चुका है हमारा। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा फूल के बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम जो है सारे साबुदाने निकाल लेंगे जितना हमको बनाना होगा। आपको मैं पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझा दी हूँ, आप उसी तरीके से इसको निकालते जाना, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेकेंड बैच का भी साबुदाना निकाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे साबुदाने हमने तैयार कर लिए हैं। आप देखिए प्लेट में कितना बड़ा बड़ा फूल करके हो गया है ये। अब इसमें हमको आगे क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारा गर्म ही है,
और इसमें ज़्यादा घी था तो इस घी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर यहाँ पे 20 से 25 काजू जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमको गोल्डन ब्राउन ही करना है, इसको हमको डीप फ्राई नहीं करना है। तो इसी तरीके से चलाते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, काजू हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और घी भी हमारा कढ़ाई में बचा हुआ है। तो साथ ही अब हम इसमें हम जो है बादाम भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 से 25 हम यहाँ पे बादाम लिए हुए हैं बाउल में, इसको भी हम घी में डाल देंगे और इसको भी हमको फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन इसको भी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बादाम का कलर हमारा चेंज होने लगा है, ये भून चुका है और अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और घी हमारा अभी इसमें बचा हुआ है, तो इसमें हम लिए हैं 200 ग्राम मूंगफली के दाने, तो इसको भी हम इसी में भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इसमें डाल करके और अच्छे से चलाते हुए इसको भून लेंगे। तो इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये मूंगफली हमारा भून करके तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर हमारा चेंज होने लगा है और मूंगफली जो हमारी है वो भून चुकी है, तो ये फट भी चुकी है। तो फ्रेंड्स, जिस प्लेट में हम बादाम और काजू निकाले हुए हैं उसी प्लेट में हम मूंगफली को भी बाहर निकाल लिए। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नारियल जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, तो इसको हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इसको हमको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कलर जो है चेंज हो चुका है, तो अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए, ये हमने सारे जो है प्लेट में निकाल लिए हैं फ्राई करके। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको जो है साबुदाने के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, सारे जो हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो साबुदाने के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, अब हम इसमें आगे बताते हैं कि और इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो इसमें हम पीसी हुई काली मिर्च 1/4 डाल देंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीधा नमक डाल देंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसमें नमक डाली हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड, तैयार हो गई ना आपके लिए व्रत की स्वादिष्ट नमकीन। आप ठंडा होने पर अभी आज के व्रत में खाइए और बची हुई नमकीन कंटेनर में भरकर रख लीजिए दूसरे दिन व्रत में खाने के लिए, या फिर इसको 2 महीने बाद खाइए। तो देखा फ्रेंड्स, रेसिपी कितनी इजी है और टेस्टी भी। तो ये साबुदाना नमकीन आप शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी ये आज की रेसिपी। और आप आशा मिर्जा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को आप शेयर करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।